तो गाइज यार, ये है 5 रुपए का नॉर्मल सिक्का, जो कि आप लोग तो जानते हो। 5 रुपए का सिक्का जो है निकल और कॉपर के मिक्सचर से बनाया जाता है। निकल इसमें कम होता है, कॉपर इसमें ज्यादा मात्रा के अंदर कॉपर का यूज किया जा सकता जाता है, जबकि इसीलिए ये कॉपर की कलर का ही दिखता है। ये बिल्कुल 5 रुपए का नॉर्मल सिक्का है। कितना बड़ा साइज का है, किसकी चौड़ा एक बार ध्यान से गौर से देख लो कि कितना ज़्यादा चौड़ा सिक्का है। और ये 5 रुपए का पूरा सिक्का है, जो कि आप लोग ध्यान से भी देख लो, क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो सिक्का है ये पूरी तरीके से तबाही होने वाला है। हाँ तो गाइस, जो आपने सुना है तबाही होने वाला है, जी बिल्कुल, यहाँ ये तबाही होने वाला है, क्योंकि हमारे पास आज है नाइट्रिक एसिड, यानी कि HNO3, जो कि आप लोग जानते हैं। यह जो एसिड है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जहां पे गिरती है पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जला देती है, तबाही कर देती है। लेकिन आज ये नाइट्रिक एसिड क्या इस 5 रुपए के सिक्के को किस तरीके से खा सकता है, और साथ ही साथ उसमें से आज हमें दिखना पड़ जा सकता है। तो फटाफट से हमें इस 5 रुपए के कॉइन्स को नाइट्रिक एसिड में डालने की तैयारी करता हूँ। ये बिल्कुल चमचमाता हुआ 5 रुपए का सिक्का है, तो चलिए इसे नाइट्रिक एसिड में डाल के दिख लेते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि एसिड से रिस्क लेना कोई अच्छी बात नहीं है, सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो अब चलते हैं। तो भैया रिएक्शन शुरू होगा, तो चीजें भी लाते हैं, कई सामग्रियां लाते हैं जो कि यहाँ पे जो है फटाफट से मैं सब गाइस यार, अब जो है नाइट्रिक एसिड को मैं डाल देता हूँ इस कांच के बीकर के अंदर। यह पूरा 69% प्योर नाइट्रिक एसिड है, जो कि आप लोग तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा प्योर है। इसमें से अभी से फ्यूम्स भी निकालने लग गई है, जो कि काफी तेजी से निकलती है, और यह बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी ये चीजें। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मैं इस खाली बीकर में थोड़ा सा डाल देता हूँ। तेरी अभी से स्मेल निकल रहा है बहुत गंदी सी, इसमें से जो है ना आपको पता है बहुत गंदी स्मेल निकलता है, तो ये जो है ना बहुत गंदी स्मेल है भाई, इसको थोड़ा सा डाल देते हैं। इतना नाइट्रिक एसिड काफी होगा इसमें से अभी से। फ्यूम्स निकलने लगे, और ये रही मेरे पास एक 5 रुपए का सिक्का, जो कि बिल्कुल नया चमचमाता हुआ 5 रुपए का सिक्का है। आप देख सकते हैं ये 5 रुपीस के कॉइन है। आप देख लो घोर से यार, देख लो क्या टेंशन की बात है यार, 5 रुपए के सिक्के को आज हम नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे। तो गाइस मैं डालता हूँ, और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो कि यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, पूरी तरीके से ग्रीन हो गया सोल्यूशन, और पूरा पूरा इसमें से कंटिन्यूसली ये फ्यूम्स निकले जा रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीली गैस भी होती है। और ये जो है ना
उसके बाद क्यों इसमें कर रहे हैं प्रिया का है? किस तरीके का क्यों निकले जा रहा है? तो ये जो अभी जो है ना, इसने कॉइंस को पूरी तरीके से खत्म भी कर देगा कुछ ही मिनटों में। जो कि आप है, आप देख सकते हो ये जो है ना, और ये इधर आ जाता है, जोर तरफ मार रही है। तो भाई ये हो रहा है जब हम एक 5 रुपए के सिक्के को नाइट्रिक एसिड में डालते हैं। हमारा 5 का जो सिक्का है वो अभी गायब होने की कगार पर जा चुकी है। देखो ये तो गजर ये जो है वो उबलने लग रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से। मैं तो यहाँ पे रख देता हूँ, मैं इसे दूर चला जाता हूँ, क्योंकि इसकी जो गैस है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी ये चीज़ हो रही है। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, और इसमें से जो फ्यूम्स निकल रही है वो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो कि आप लोग देख सकते हो, पूरी जो है ना 5 रुपये के सिक्के को छोटा बना दिया, खत्म भी कर देगा। देखते धीरे धीरे क्या होता है। जल्दी जब फूल से खत्म हो गया, सिक्का गायब। जो सिक्का है वो गायब होने की तदार पे एकदम छोटी सी बची है। चलो थोड़ा देर इसे ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं नाइट्रिक एसिड में, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये अब भी ये कोई शांत नहीं हो रहा है, ऐसे ही करते जाएगा, ये और टाइम चलेगा। खत्म कर अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। इसमें अगर एक और सिक्का डाली जाए तो भाई रिएक्शन होगा। आपको कैमरा ऊपर से दिखाता हूँ, जो सिक्का है वो ऑलमोस्ट होने वाला है, तो पास ले जा करके दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो जो सिक्का है वो रिएक्शन हो रही है। देखो आप लोग, और ये जो रिएक्शन है ना, इतनी जल्दी तो काम नहीं होगा। अभी रिएक्शन हो रही है, इसे ऐसे छोड़ देते हैं, काम करते हैं। तो भाई ये हुआ जब हमने कॉइन्स को HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड में डाला। गायब होने की तदार पे है सिक्का, हो भी गया क्या गायब? देखो जो सिक्का है वो नहीं बचा है नाइट्रिक एसिड में, जाने के बाद सिक्का नहीं बचा है। स्मेल करे थोड़ी थोड़ी, बस कोई नहीं, अभी जो धुआँ है वो कम हो गई, मैं से निकलना बंद हो गया धुआँ, लेकिन ये अब भी रिएक्शन हो गया। जो कि
आप लोग देख सकते हो क्या हो रहा है भाई साहब। तू हट जा नहीं तो कैमरे में उठ जाएगा। तो भाई ख़त्म कर दिया भाई 5 रुपए के सिक्के को इसने। काया इसने भाई क्या है ये चीज़। तो भाई इतना देर रिएक्शन होने के बाद जो है जो सिक्का है भाई वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। छोटा सा बचा हुआ है, ये भी नहीं बचेगा भाई। क्या बात है, ये केमिकल क्या चीज़ है भाई, इसने तो सिक्के को गायब कर दिया भाई। ये इतनी ख़तरनाक केमिकल है कि सिक्का को इसने एकदम ख़त्म कर दिया है, वेपराइज्ड बना दिया सिक्के को, हवा में जला दिया भाई। और अभी भी फ्यूम्स निकल रही है इसमें से, वही जो है मरून कलर की फ्यूम्स निकल रही है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इस तरफ आ जाता हूँ और अभी जो धुआँ है ना वो भी बंद हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया धुआँ, ख़त्म सिक्का ख़त्म हो गया। लेकिन इस ये मेरे ग्लव्स के ऊपर गिर गया भाई, रुको मैं ग्लव्स उतार लेता हूँ। यही ग्लव्स उतारना चाहिए मुझे, ऐसे रख देते हैं क्योंकि भाई मेरे ग्लव्स भी गिर गया। कैमरा उठ के रख दें भैया, इसने तो मेरे ग्लव्स को पीला पीला बना दे रहा है, ग्लव्स उतारने पड़ेंगे मुझे। तो भाई ये जो केमिकल है ना मोस्टली बहुत डेंजरस है, इस टाइम मत करना आप लोग। तो भाई मैं ग्लव्स उतार दिया हूँ और जो सिक्का है वो ख़त्म कर दिया, जला दी सिक्के को, काला कर दिया और गायब ही कर दिया भाई इसने, सिक्के ख़त्म कर दिए। और अभी जो इसका पावर है ना वो भी कम गया है, रुको मैं नीचे से एक फ्लायर लाता आपको सिक्के का हालत अभी दिखाने। तो नाइट्रिक एसिड ने हमारी सिक्के को खत्म कर दिया। होई होई। ये क्या है, ये क्या है, ये सिक्का है क्या, एकदम घटिया बना दिया सिक्के को इसने तो, एकदम घटिया। ऐसा लग रहा है कई सालों से पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं, बहुत ख़राब इसका, बहुत ख़राब। इतना सा होता है क्या 5 रुपये, ये है ना बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, देखो कितना सा हो गया एकदम। और अगर इसको और देर के लिए छोड़ दे तो भाई साहब ये जो है ना ये फिर से रिएक्शन शुरू कर दे। तो भाई यार ये जो सिक्का है और टाइम से मैंने डाल के रखा है और जो सिक्का है ना भाई उसका हालत एकदम ख़राब ही हो चुका है, ये एकदम घटिया सा एक सिक्का हो गया है क्योंकि कितना ज़्यादा पतला है। हाँ निकलेगा नहीं क्या, तो निकालना होगा अभी कैसे करें, बहुत छोटा है निकल नहीं रहा है, लेकिन निकलना तो पड़ेगा ही क्योंकि इसको नाइट्रिक एसिड ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुकी है। और 5 मिनट रखने के बाद अब देख सकती है सिक्का किस आकार में भी
आ चुके हैं। गोल नहीं है, ध्यान से देखो इसका हालत क्या हो गया। देखो ये अभी गोल नहीं है, ये कुछ अजीब सा हो गया। और इस जो है ना ये बी रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड से। तो भाई इतना ख़तरनाक होती है, मैंने आपको दिखा दिया, सिर्फ ट्राई करके बहुत ज़्यादा पतला हो गया। ये देखो वैसे हाथ से तो नहीं पकड़ सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोसिव है, तो मैं आपको इसे नीचे ले जाके दिखा देता हूँ। ये और ये जो सॉल्यूशन है ना जो कि आपको दिख रही है, मैं इसे हाथ से नहीं पकड़ूंगा क्योंकि ये भाई कॉपर नाइट्रेट है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। ये जो सॉल्यूशन है जो कि आपको दिख रही है नीली कलर का, नीले रंग का दिख रहा होगा, ये है कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट आपको पता होगा क्या चीज़ होता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जब नाइट्रिक एसिड में कोई भी मेटल जाता है तो वो उसे वेपराइज करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में बदल देता है और धीरे धीरे बदलता है कॉपर नाइट्रेट में, जो कि यहाँ पे भी वही हुआ है। ये जो सिक्का है ये एकदम ख़त्म होने से बच गया, थोड़ा देर और रहता तो भाई इसे एकदम जड़ से ख़त्म ही कर देता। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा सकता हूँ क्योंकि अभी मेरा काम हो गया है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, मैं बाद में लेके चला जाऊँगा। तो भाई ये होता है, ये सिक्का को एकदम इसने ख़त्म तो नहीं कर पाया, थोड़ा सा बचा हुआ इतना सा टुकड़ा जो कि बहुत ज़्यादा पतली होगी, एकदम ऐसा लग रहा है कि कई मतलब एकदम पतला सा सिक्का बच गया। बाकी ये जो सॉल्यूशन है ये है कॉपर नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो आपको दिखी थी पहले में, जो कि ऑरेंज कलर की गैस थी वो थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो ये था कॉपर और साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जो निकल और कॉपर के मिक्सचर से बनाया जाता है सिक्के को। तब वो क्या करता है, निकल मेटल उसको नाइट्रिक एसिड ने पूरी तरीके से मतलब उसे हवा में उड़ा दिया और कॉपर को इसने अपने अंदर डिजोल्व कर लिया, घुल दिया और बच गया कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इसमें से भी साइंस सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी यार ऐसी चीज़ें हम करते हैं, ट्राई मत करना घर पर। नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होता है, प्लीज़ डोंट ट्राई नाइट्रिक के साथ, कुछ भी ट्राई मत करना। एसिड जो है ना हाईली कोरोसिव होता है, जहाँ पे गिरता है जला देती है, ठीक है। प्लीज़ डोंट ट्राई इट योर होम एंड इन अनदर प्लेस, कहीं पे ट्राई मत करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, उसको घंटी बटन को दबा के ऑल को दबा देना ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो हमको आपको मिलती रहे। बाकी यार मैंने ग्लव्स भी उतार लिया देखो, क्योंकि इसमें लग गया है नाइट्रिक एसिड। बाकी ये जो सॉल्यूशन है ना ये है कॉपर नाइट्रेट, मैं आपको पास से लेके जाके दिखा सकता हूँ। ये देखो ये है कॉपर नाइट्रेट, देखो ब्लू कलर का होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, मजा आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।